हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, और लगभग एक साल से ज़्यादा, एक साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, बहुत लंबा समय हो गया, मुझे प्रॉपर ध्यान में नहीं है, 1.5-2 साल के आसपास हो गए होंगे। तो सीईटी का एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल मई में, बताया जा रहा है, और लगभग 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। सीईटी फोरम में आपका जो डाटा आता है, नाम आता है, माँ का नाम, बाबू का नाम, ये सारी चीजें किससे आती है? फैमिली आईडी से आती है। और फैमिली आईडी में हमारी बहुत सारी मिस्टेक थी पहले, और अब आपने वो ठीक करवा दी, लेकिन फार्म आपने पहले भर दिया। तो आपने पहले फॉर्म भर दिया तो उस फैमिली आईडी जो गलत थी, उस फैमिली आईडी के हिसाब से आपका नाम आया, फादर नेम आया। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपके नाम में उस समय फैमिली आईडी में गलत हो और वही नाम आपका सीईटी फॉर्म में आ गया हो। हो सकता है आपके फादर नेम का, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है आपकी कैटेगरी, इस तरीके से कई चीजें हैं दोस्तों जो गलत हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे, आप नाम एडिट कैसे कर सकते हैं यदि आपने अपना फॉर्म कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है और ये यहां पे आप देखेंगे 30 मार्च 2021, 30 मार्च 2021 को इस फॉर्म की फीस भर दी गई थी, यानी कि 30 मार्च को ये फॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया था। अब मैं इस फॉर्म में एडिट करना चाहता हूं, तो एडिट कैसे करोगे दोस्तों, मैं आपको यहां पे वन बाय वन करके दिखाना हूं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप सीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो पूरा बैच दोस्तों, पूरे बैच की फीस मैं बता देता हूं, अपने ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, पूरा बैच 999 रुपए में आपको मिल जाएगा। और 200 क्लास दोस्तों हो चुकी है, 200 क्लास इस कोर्स के अंदर हो चुकी है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक बार डेमो जरूर देख लीजिए आप, कोर्स ज्वाइन करो ना करो एक बार डेमो जरूर देख लेना, ठीक है, आपका दिल करे तो। तो दोस्तों, जब आप लॉगिन करोगे अपने फोरम में, जब आप यहां पे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे, तो आपका दोस्तों ये पेज ओपन होता है, जहां पे आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, अप्लाई ऑनलाइन, ट्रैक पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन, जनरेट अपडेट रिक्वेस्ट, मेक योर पेमेंट। तो आपने अपने फॉर्म में कोई एडिट करना है तो आपको इस स्टेप के अंदर जाना है, जनरेट अपडेट रिक्वेस्ट, जनरेट अपडेट रिक्वेस्ट, इस तरीके का क्या है आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको बताएगा कि आपको कौन सा स्टेप एडिट करना है, स्टेप वन एडिट करना है, स्टेप टू करना है, स्टेप थ्री करना है, स्टेप फोर करना है, स्टेप फाइव करना है, स्टेप सिक्स करना है, या ऑल स्टेप करने हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा फॉर्म एडिट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे, मैंने स्टेप वन, क्योंकि मैं नाम चेंज करना चाहता था, तो मैंने स्टेप वन के लिए और ऑल स्टेप भी मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूं, तो मैंने ऑल स्टेप भी और स्टेप वन भी दोनों पे क्लिक कर दिया, और नीचे मैंने लिख दिया क्या रीजन है मेरे इस अपडेट का, क्यों मैं चेंज करना चाहता हूं। तो मैं लिख दिया, देयर इज मिस्टेक इन माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, प्लीज गिव मी चांस टू एडिट दिस डिटेल, थैंक यू। तो दोस्तों, यहां पे आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स एडिट करने हैं, इसलिए आप एडिट करना चाहते हो, एक मौका दिया जाए, ये आपको करना है, और आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, यहां पे सबमिट का बटन होगा। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे, आपका जो है सबमिट हो जाएगा, और यहां पे देखिए, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रीओपन्ड फॉर अपडेशन फॉर नेक्स्ट 3 डेज, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट द सेम विद इन 3 डेज। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया ना, उसी टाइम मेरा फॉर्म एडिट के मोड में आ गया, मैं एडिट कर सकता हूं। 3 दिन का टाइम इन्होंने दिया है, 3 दिन के अंदर अंदर मैं चेंज करना चाहूं वो चीज मैं चेंज कर सकता हूं अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब चलते हैं, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं। अब क्या है, एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर डालूंगा दोस्तों, 74045। फिर आपको एक कैप्चा कोड एंटर करना है, क्या है,
कैप्चा कोड एंटर करना है आपको और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाएगा, क्या है, मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल पूछ लेते हैं ओटीपी क्या गया है। ये किसी स्टूडेंट का ही है आप में से ही, तो पूछ लेते हैं भाई क्या ओटीपी गया है। और मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप नाम भी डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों आप बिना फैमिली आईडी के भी अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, आपकी फीस ज्यादा लगेगी उस मोड में, ठीक है। हरियाणा से बाहर के लोग भी सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, हरियाणा से बाहर के लोग भी सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं ओटीपी पूछ रहा हूं भाई, एक बार रुक जाओ। हाँ जी 9475772, ठीक है जी। तो ये ओटीपी आ गया जी अपना। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा सबमिट हो गया, इस तरीके से खुलता है। आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पे देखिए इस तरीके से आपके ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू है, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स। तो यहां पे आपको क्या चेंज करना है, जैसे हो सकता है आपके नाम में गलती हो, सकता है आपके फादर नेम में गलती हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, तो आपको एडिट कैसे करना है दोस्तों, तो बता देता हूं आपको एडिट कैसे करना है। यहां पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो उसमें एक यहां पे क्लिक करके दोस्तों, यहां पे ऊपर जहां पे हम साइड डालते हैं, टैब के ऊपर क्लिक करना है। देखिए नाम के ऊपर आ जाएगा, ये क्या है, नाम के ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे आप क्या है नाम एडिट कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूं, नाम के ऊपर है ना, अब यहां पे नवनीत लिखा हुआ है, मैं राजेश लिखना चाहता हूं, तो देखिए राजेश यहां पे हो जाता है। उसके बाद में आपको लास्ट नेम भी लिखना है, तो यहां पे आप राजेश कुमार कर सकते हैं, देखिए मैंने कुमार भी लिख दिया। उसके बाद में भाई मेरे इसमें भी गलती है, मैं यहां पे भी केवल राज लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पे भी एडिट हो गया, लेकिन मैं भाई यहां पे राजकुमार ही लिखूंगा क्योंकि ये किसी और का फॉर्म है, गलती से गलत ना कर दूं मैं, कि आप सेव कर दूं वैसे ही, फिर मुझे दोबारा एडिट के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ भी एडिट करनी है ना, तो आप डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकते हैं, मदर नेम भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और टैब के ऊपर क्लिक करोगे आपका मेल पे चला गया। ये चीज चेंज नहीं होगी भाई, ये चीज चेंज नहीं होगी, ये फैमिली आईडी से आती है आपकी, ये चीज आप चेंज कर सकते हो, ये आती तो फैमिली आईडी से है लेकिन आप चेंज कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सुधार करना है सुधार कर सकते हो, नया फॉर्म भरते समय भी आप ये ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भाई मैं दोबारा से इस नाम को मैं ठीक कर देता हूं, नवनीत, और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है भाई। तो पहला स्टेप एडिट हो जाएगा ना आपसे, सेव ड्राफ्ट में क्लिक कर देता हूं, सेव ड्राफ्ट पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो यहां पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, यहां पे लोड हो रहा है भाई, वेट करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहां पे इस तरीके से कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गई ना। उसके बाद में अगले स्टेप, तो ये भी आप क्या है स्टेप टू पे हम आ गए हैं, अनमैरिड, ये आपका फैमिली आईडी से आता है, एक्स सर्विस मैन वाला ऑप्शन है, ये भी आपके फैमिली आईडी से आते हैं, ठीक है, ईएसएम सर्टिफिकेट वगैरह, आपको जो डिटेल अब डालनी है ना वो आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं बीसीए कैटेगरी। अब आपकी यदि फैमिली आईडी में आपने कैटेगरी चेंज करवा ली होगी तो यहां पे आपकी नई कैटेगरी वाली शो करानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है, नई फैमिली आईडी क्या है यहां पे शो कर देगा। और आगे चलते हैं भाई, इसको मैं सेव कर देता हूं दोबारा से, कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली,
उसके बाद में यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी और ऐड करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपके कोई डिटेल डिलीट करनी है तो आप डिटेल डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की आपको कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे फोटो वोटो डिलीट करने हैं, एडिट करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है, क्लोज। उसके बाद में नौकरी वाला ऑप्शन आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट कर लेना, कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया भाई, फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप सिक्स पे आप क्लिक करोगे, स्टेप सिक्स पे, तो यहाँ पे आप ये करोगे। और दोस्तों जब आप एडिट करते हो ना तो आपको दोबारा से अपना जो है फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ता, जो डिक्लेरेशन होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और यहां से जब आप देखोगे तो ये आपका फॉर्म देखिए, ये कंप्लीट है भाई, ठीक है। यहां पे आपको वो चीज दिखाई दे जाएगी जो आपने चेंज किया है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, हाँ, तो यहां पे क्या है, अब आपको यदि आपने सारे के सारे स्टेप एडिट करने का रिक्वेस्ट डाली है, सारे के सारे स्टेप एडिट करने की रिक्वेस्ट डाली है, तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा साइन करके, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपने सिर्फ एक स्टेप एडिट किया होगा बीच का, यदि आपने सिर्फ एक स्टेप एडिट किया होगा बीच का तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने, मैंने सारे के सारे ऑल स्टेप पे क्लिक किया था ना साथ में, तो इसलिए क्या है, ये छठा स्टेप है, छठा स्टेप भी मैं एडिट कर सकता हूं, इसलिए डॉक्यूमेंट ये जो अपने डिक्लेरेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन है वो अपना आता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपका फॉर्म ये अपलोड कर देना एड डॉक्यूमेंट करके और फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका। फीस दोबारा नहीं लगेगी भाई, फीस दोबारा नहीं लगेगी। तो इस तरीके से क्या है, आप अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है। और अब आप वही कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस चीज का आपका सॉल्यूशन करने की। और ये अपना बैच है भाई, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, बस एक बार आप डेमो देख लो, मैं गारंटी लेता हूं डेमो देखने के बाद आप कोर्स 100% ज्वाइन करोगे, क्योंकि टीम ही ऐसी है, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है भाई, सारे के सारे टीचर ऐसे हैं जो खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं या वेल एक्सपीरियंस्ड है या बार बार जो HSSC का एग्जाम दिए हैं और एग्जाम क्रैक भी करे हैं, सारी की सारी टीम ऐसी है। फीस दोस्तों मात्र 999 रुपए है, केवल 999 रुपए पूरे बैच की फीस है दोस्तों। 3 से 4 महीने का कोर्स है ये, 200 क्लास हो चुकी है और 15 अप्रैल का टारगेट हमने किया है भाई बैच कंप्लीट कराने का। तो आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों तरीके से आपको मिलती है, टेंशन वाली बात नहीं है, आपका दिल करे आप उस टाइम पे देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की सारी चीज आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।